नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूं। राजस्थान की एक और नई सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल विज्ञापन आ चुका है। 12वीं पास LDC सहित विभिन्न पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकल रही है, कितनी क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कितनी क्या इसके अंदर सीट्स है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने जो आपका निकल रखा है, DMRC यानी डिजर्ट मेडिसन रिसर्च सेंटर, जो ये सेंटर अपने जोधपुर राजस्थान के अंदर ही स्थित है। तो ये राजस्थान की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को फुल डिटेल्स के साथ, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आपका ये जो सेंटर है जोधपुर के अंदर स्थित है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी निकल रखी है, तो प्रोजेक्ट के अंदर ये वैकेंसी है। तो जो आपके सबसे फर्स्ट पोस्ट है, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज लिमिट है 30 साल, ठीक है। 30 साल तक आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी इसके अंदर आपकी रहने वाली है 31,000 रुपये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी आपकी 31,000 रुपये है। एंड इसके अंदर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इसमें बता रखी है। और इसके अंदर जो आपकी टोटल सीट है रिसर्च असिस्टेंट के अंदर 2 सीट है, अनरिजर्व की सीट है, तो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन लाइफ साइंस के अंदर, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो मान्य जो डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास, या अगर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट पोस्ट जो रिसर्च असिस्टेंट वाली है। एंड उसके बाद जो सेकेंड आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसके अंदर टोटल 2 पोस्ट है, एक OBC की है और एक SC की है, ठीक है। और एज लिमिट इसमें 30 साल बता रखी है। और इसके अंदर जो सैलरी वही है आपकी 31,000 रुपये रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। एंड उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको मैंने बोला था LDC की वैकेंसी, ठीक है। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी रहती है सेम टू सेम LDC के सिमिलर ही रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी 2 पोस्ट निकल रखी है, जिसमें आपकी अनरिजर्व यानी जनरल की 1 पोस्ट है जिसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, एंड 1 पोस्ट है ST की जिसके लिए सिर्फ ST के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसके अंदर आपकी रहने वाली है 18,000, ठीक दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो एज लिमिट इसमें 28 साल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास जो ये A-लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 8,000 की पर होर्स होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से आप सभी देख लीजिएगा। एंड उसके बाद जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी निकल रखी है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की, ठीक है। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 32,000 रहेगी, एज लिमिट इसमें 30 साल है, एंड जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइफ साइंस के अंदर, ठीक है। और एक्सपीरियंस इसमें है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपकी सेकंड पोस्ट है इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, तो इसमें जो 1 पोस्ट है वो OBC के लिए निकल रखी है। सैलरी इसमें आपकी 31,000 रहने वाली है, एज लिमिट इसमें 30 साल है, एंड जो डिग्री वही है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका तीसरा प्रोजेक्ट है ट्राइबल यूनिट के अंदर है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकल रखी है, OBC की 1 है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 18,000 पर मंथ है, ठीक है। तो और इसमें एज लिमिट है आपकी 28 साल होनी चाहिए, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वही 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, जो इस प्रकार का वर्क रहता है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 8,000 की पर होर्स होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो SC ST एंड OBC को जो हर वैकेंसी के अंदर छूट रहती है एज की, वो इसमें रहेगी। जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट रहेगी, ठीक है। तो आपका जो इसमें इंटरव्यू रहेगा और जो रिटर्न टेस्ट रहेगा वो सेम डे रहेगा,
ठीक है, तो वो टाइमिंग आपसे भी देख लीजिएगा, जोधपुर के कैंपस में ही रहेगा, DMRC कैंपस जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो डेट रहने वाली है, या तो आपका वर्क इन इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। जो कैंडिडेट्स की जो संख्या रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपका जो टेक्निकल प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर है, उसका जो आपका टाइमिंग रहने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 9 बजे का, एंड डेट है आपकी 5 मार्च 2019 को। 5 मार्च 2019 को आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका टाइमिंग है आपका रिपोर्टिंग का 9 बजे का, और वही है आपका जो डेट है 5 मार्च ही है। एंड जो टेक्निकल असिस्टेंट का 11 बजे का टाइम है रिपोर्टिंग का, एंड जो आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा वही 5 मार्च को है, और स्टार्ट हो जाएगा आपका 11:30 बजे। एंड उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, ठीक है। तो 9 बजे का इसका टाइमिंग रहेगा वही 5 मार्च 2019 को। एंड उसके बाद जो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, वो आपका रहेगा 7 मार्च 2019 को, ठीक है। और आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है वो भी आपसे भी देख लीजिए, और ये टाइमिंग देख लीजिएगा, और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो देख लीजिए आप, क्या आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो आपको ड्यूली फिल्ड जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वहीं पे, तो आपको उसको अच्छे से भर लेना है। एंड जो भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आप सभी को साथ में लेकर जाना है, एंड उन सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और वो टाइमिंग है आपका 9 बजे का रहेगा DMRC कैंपस के अंदर, ठीक है। तो ये वैकेंसी निकल रखी है, आप सभी को बताना था दोस्तों, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।